हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ मॉड्यूल जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू लिमिट एंड डिफरेंशिएशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिमिट्स। लेकिन बिफोर लिमिट्स आई डिस्कस करते हैं लिटिल बिट अबाउट फंक्शन। जब मैं बोलता हूं कि y इज इक्वल टू fx, मतलब y इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, y इज इक्वल टू fx, इसका मतलब x इनपुट है, y आउटपुट है, बराबर। अगर हम लोग ग्राफिकली देखेंगे, सो दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। एग्जाम्पल, सपोज मैंने आपको एक फंक्शन बोला fx इज इक्वल टू x प्लस 2। अगर मैंने आपसे पूछा f ऑफ 1 क्या है, सबको आता है, बोलोगे 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, बराबर। तो ये 1 क्या हुआ, 1 हो गया इनपुट, बराबर। तो इनपुट 1, तो आउटपुट क्या हो गया, आउटपुट हो गया 3। तो जो इनपुट है हमने इसको क्या बोलते हैं, x, और आउटपुट ये हो गया y, मतलब y कोऑर्डिनेट। तो जब मैं आपको बोलता हूं ना वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, इनडायरेक्टली मैं आपसे क्या मांग रहा हूं, मैं मांग रहा हूं y कोऑर्डिनेट। तो वैल्यू कहां पे दिखेगा, वैल्यू यहां पे दिखेगा, दैट इज कॉल्ड y, और इनपुट इनपुट x कोऑर्डिनेट यहां पे दिखेगा। ये सब आपने पढ़ा, ठीक है ना। तो अगर अब कभी कोई मैं आपको पूछता हूं fx, तो आपके दिमाग में आना चाहिए y कोऑर्डिनेट। तो सपोज स्टूडेंट, मैंने आपको एक फंक्शन दे दिया fx इज इक्वल टू x स्क्वायर, राइट, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर, राइट। जस्ट वेट अ मिनट। सपोज टू मैंने आपको एक फंक्शन दे दिया fx इज इक्वल टू x, सपोज x इज वेरी वेरी क्लोज टू 0, मतलब x का वैल्यू बहुत 0 के नजदीक, उसको कैसे लिखते हैं, x टेंस टू जीरो, कैसे लिखते इसको लैंग्वेज में, x टेंस टू जीरो। तो अगर x जीरो की तरह नजदीक रहेगा तो fx भी किसके नजदीक रहेगा, जीरो के नजदीक रहेगा, मतलब fx भी किसके नजदीक जाएगा, इससे इससे जीरो के नजदीक। आइए आपको समझा देता हूं। सपोज ये x है, ये fx है, सपोज x का वैल्यू है 0.1, तो fx का वैल्यू क्या आएगा, 0.1 का स्क्वायर 0.01। सपोज ये है 0.01, तो ये क्या हो जाएगा, fx का स्क्वायर 0.1234, मतलब जैसे x आहिस्ते आहिस्ते जीरो के करीब जा रहा है, fx भी जीरो के करीब जा रहा है। तो इसको लिमिट के लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू जीरो अंडर दैट कंडीशन fx इज आल्सो मूविंग टुवर्ड्स जीरो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो fx इज आल्सो इक्वल टू जीरो। तो ये जीरो क्या है, ये जीरो लिमिट ऑफ फंक्शन का वैल्यू, लिमिट ऑफ दी फंक्शन का वैल्यू। आइए और डिटेल में चलते हैं। सपोज अगर आपको मैंने एक फंक्शन बोला एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस, यहां पे मैंने स्पेसिफाई कर दिया है एक्स इज नॉट इक्वल टू 3, तो मतलब x का वैल्यू 3 नहीं है। अब मुझे सिंप्लीफाई कर सकते हम लोग इसको, x माइनस 3 x प्लस 3 x माइनस 3। अब x का वैल्यू 3 नहीं है, मतलब कभी भी ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि x का वैल्यू 3 है ही नहीं, 0 नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको आपस में कैंसिल कर सकते हैं, बिकॉज यू कैन कैंसिल नॉन जीरो थिंग्स फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो यह आ गया x प्लस 3, ठीक है। fx मतलब क्या, y, तो y को बोल सकते हम लोग x प्लस। चलिए इसको ग्राफिकली प्लॉट करते हैं, देखते हैं क्या। ये बनाया मैंने अपना y एक्सिस, ठीक है। ये बनाया मैंने अपना x एक्सिस, ठीक है। आइए पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं। सपोज 0 1, अंदाजे से 2,
थ्री फोर फाइव सिक्स ये कर लेते चलो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। प्लॉट करते हैं हम लोग। सपोज एक्स का वैल्यू मैंने जीरो लिया तो वाई कितना हो जाएगा, अगर एक्स को मैंने जीरो लिया तो वाई थ्री हो जाएगा, ये रहेगा। एक्स का वैल्यू मैंने वन लिया तो वन प्लस थ्री फोर हो जाएगा, राइट। ठीक, एक्स का वैल्यू मैंने टू लिया तो टू प्लस थ्री फाइव हो जाएगा, दस कर सकते हैं। अब x का वैल्यू मैंने अगर 3 लिया तो 3 तो ले नहीं सकता, x इज नॉट इक्वल टू 3 दिया है ना, तो सब इसमें ले लो। कैसे ले सकता हूं, जब मैंने कैंसिल किया तब मैंने क्या अज्यूम किया था कि x का वैल्यू 3 नहीं है, तभी तो कैंसिल कर सकता हूं, तो फिर x का वैल्यू 3 यूज कर सकता हूं, नहीं। तो जब x 3 है तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। x 3 है तो अब 3 प्लस 3 6 नहीं पॉसिबल है, तो कैसे दिखाएंगे आइए समझाते हैं। अब इस कैसे बताएंगे, ये ओपन है जबकि ये डार्क है, पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। अब एक्स का वैल्यू क्या, फोर, तो फोर जब एक्स का वैल्यू फोर तो फोर प्लस थ्री सेवन, चलिए ये पॉसिबल है। फाइव तो 5 प्लस 3 8, ये भी पॉसिबल है। 6 तो 6 प्लस 3 9, चलो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो चलिए लाइन ड्रॉ करते हैं, पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल। चलिए एक लाइन बना लेते हैं, ये अपना ग्राफ हो गया, चलो अपना ग्राफ हो गया। तो इसमें क्या ऑब्जर्व किया कि 3 पे फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि जब x का वैल्यू 3 है तो क्या y का वैल्यू 6 है, नहीं, ये सर्कल बना, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। अब लोग इसमें 3 प्लस 3 6 लिखने जाता क्या, अरे भाई कैसे लिखेंगे, हमने जब माना है कि x का वैल्यू 3 यूज नहीं कर सकते, क्यों, अगर आपने 3 यूज किया तो ये आ जाएगा 0 अपॉन 0, तो क्या 0 अपॉन 0 पॉसिबल है क्या, नहीं। जब मैंने कैंसिल किया तो मैं अपने दिमाग में क्या रखा कि x का वैल्यू 3 नहीं था, तो कैंसिल कर सकते हैं, राइट। तो अब क्या करेंगे, x का वैल्यू तो 3 पे, y क्या है नहीं मालूम है, 0 पे मालूम, 1 2 पे मालूम है, 2 और 3 के बीच मालूम, 3 और 4 के सब में मालूम है y का वैल्यू, मतलब fx का वैल्यू, इसको आप y बोलो या इसको fx बोलो, एक ही चीज है, और ये x। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिमिट अपने काम आता है, देखो कैसे। अब पहले एक थियोरेटिकल अप्रोच, ये x है, ये एफ एक्स, व्हाट इज एफ एक्स, एक्स प्लस थ्री। अब सोचो जब x का वैल्यू 3 है, एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन सपोज अगर x का वैल्यू मान लो 2.9 है, तो 2.9 प्लस 3 5.9, अगर 2.99 है तो ये क्या हो जाएगा, 5.9 है, अगर 2.999 है तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, 5.999, अगर 3 है तो 3 प्लस 3 नहीं यूज कर सकते, आपको बताया मैं। तो सेम वे अगर सपोज 3.1 है, 3.1 प्लस 3 6.1, अगर 3.01 है तो यह आ जाएगा 6.01,
अगर 3.001 है तो आ जाएगा 6.001, ठीक है। तो इसे हम लोग ने क्या ऑब्जर्व किया, इससे हम लोग ने ये ऑब्जर्व किया, ये जब मैं इरेज करता हूँ गड़बड़ हो गया थोड़ा सा लिखते समय आपको, जब 3 है तो पॉसिबल नहीं, 2.9 पे क्या पॉसिबल था, 5.9। तो हमने क्या देखा, जब x का वैल्यू 3 को अप्रोच करता है, यहां से देखो आहिस्ता आहिस्ते, मतलब जब समझो ये 3 है, जब x का वैल्यू 3 को अप्रोच करता है फ्रॉम लेफ्ट साइड, मतलब क्या 2.9, 2.99, 2.999, मतलब जब वो 3 के नजदीक आता है फ्रॉम लेफ्ट साइड, 2.9, 2.9 3 से कम है, जब आहिस्ता आहिस्ते 3 के नजदीक आता है तो एफ एक्स आहिस्ता आहिस्ते किसके नजदीक आ रहा है, देखो 6 के नजदीक आ रहा है। सेम वे जब x राइट साइड से अप्रोच करता है, मतलब 3 से ज्यादा, 3.1 ये रहा, 3.01 नंबर लाइन के हिसाब से बता रहा हूँ, 3.001 दिस वन, तो एफ एक्स किसके नजदीक आ रहा है, देखो आहिस्ता आहिस्ते 6 के नजदीक आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, आइए मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ, ये रहा। जब मैं आहिस्ते आहिस्ते मैं 3 के नजदीक आता हूँ, 2.9, 2.99, 2.9, देखो हम लोग किसके नजदीक जा रहे हैं, दिख रहा है 6 के नजदीक जा रहे हैं, जब 3.1, 3.01 किसके नजदीक जा रहे हैं, 6 के नजदीक जा रहे हैं, तो व्हेन x इज 3 fx इज 6 नहीं तो कभी आएगा ही नहीं, मतलब थ्रू आउट द लाइफ ये सब में f ऑफ 3 पॉसिबल ही नहीं, फिर लिमिट से क्या फायदा, आइए लिमिट से ये फायदा हुआ, हमने जो इतना मगजमारी किया उससे क्या फायदा हुआ, उससे ये फायदा हुआ कि बेटा जब लिमिट x टेंस टू 3 था तब फंक्शन का वैल्यू कितना था, पॉसिबल ही नहीं था, तो अंडर द लिमिटिंग कंडीशन लिमिट का वैल्यू कितना आया, 6, आपको दिख रहा है ना, देखो अब इस चीज को जब x आहिस्ते से 3 के नजदीक आ रहा है, तो जब x इज मूविंग टुवर्ड्स 3 आइदर फ्रॉम लेफ्ट साइड, अगर लेफ्ट साइड से मूव हो रहा है तो यहाँ पे एक माइनस साइन डाल दो दिखाने के लिए कि x का वैल्यू 3 के नजदीक आ रहा है बट लेस देन 3, मतलब 2.9, 2.99, देखो 2.9, 2.99, 2. नजदीक आ रहा है आहिस्ते, तब लिमिट का वैल्यू किसके नजदीक आ रहा है, 6 के, अब 5.9999 मतलब 6 ही हो गया। सेम वे जब x का वैल्यू 3 के नजदीक आ रहा है फ्रॉम राइट साइड, मतलब 3 से ज्यादा, 3.1, 3.01, 3.09, तो फंक्शन का वैल्यू किसके नजदीक आ रहा है, 6 के नजदीक, तो मतलब इसको बोलते हैं हम लोग सिंपल भाषा में लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट 6 है और राइट हैंड लिमिट भी 6 है, मतलब इस पॉइंट पे 3 पे लिमिट एग्जिस्ट, मतलब एटलीस्ट लिमिट से ये फायदा हो गया, मुझे ये मालूम पड़ गया कि जब x का वैल्यू 3 था तो एफ एक्स किसके आजू बाजू रहता है, एफ एक्स किसके आजू बाजू रहता है, 6 के आजू बाजू, मतलब लिमिट का वैल्यू 6 है, तो आप बोलो सर एफ ऑफ 3 6 है, नहीं एफ ऑफ 3 तो कभी लाइफ में फाइंड ही नहीं कर सकते इस फंक्शन को, जैसे 3 डालेंगे तो 0.0 आ जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, तो एटलीस्ट जो फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट लिमिट की मदद से हम उसके आसपास का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, मतलब एटलीस्ट मुझे ये मालूम पड़ गया अंडर द लिमिटिंग कंडीशन व्हेन x इज वेरी वेरी क्लोज टू 3, x इज नॉट इक्वल टू 3, फंक्शन का वैल्यू किसके नजदीक है, 6 के, अब कोई बोलेगा सर ये 6 एग्जैक्ट वैल्यू है, नहीं हो सकता 6.0001 हो या 5.99 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब हमको एटलीस्ट इतना मालूम पड़ गया कि जब x 3 के नजदीक है तो fx एक्चुअली किसके नजदीक है, 6 के नजदीक है, तो क्या fx 6 है, नहीं, क्या fx फाइंड कर सकते हैं, नहीं, एटलीस्ट इस समय तो नहीं फाइंड कर सकते, तो ये अब हमको ये समझ में आ गया कि लिमिट का फायदा कहाँ होता है, तो लिमिट का फायदा वहां होता है जहां पे हम फंक्शन का वैल्यू ऐसे समथिंग पॉसिबल है कि fx फंक्शन का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, तो वहां पे हमको लिमिट हेल्प करता है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हेल्प करता है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कोई बोलेगा सर वैल्यू अगर अलग अलग आया तो, अगर वैल्यू लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के ऐसे सम्स है जहां पे वैल्यू अलग अलग आएगा तो समझ जाने का उस पॉइंट पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट,
और यहाँ पे तो वैल्यू सेम आया, मतलब लिमिट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे हम लोग एक डेफिनेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, व्हेन लिमिट एग्जिस्ट फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ओनली व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तभी उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट हो सकता है। दूसरा, लिमिट का फायदा क्यों होता है आपको समझ में आ गया। तो क्या यही फंक्शन का लिमिट नहीं, हम दूसरे फंक्शंस का भी करते हैं, लेकिन हमारा लिमिट का बर्थ क्यों आएगा, बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ फंक्शन। जहां पे हम फंक्शन का वैल्यू फाइंड करने वाले बहुत दिक्कत हो रहा था, वहां पे हमें लिमिट पैदा। ओके, तो चलिए आपको मैंने बेसिक चीज सिखा दी, हम आगे बढ़ते हैं। तो उसमें से बहुत सारे केसेस आई हम लोग कंसीडर करते हैं, तो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग। चलिए केस नंबर, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिया था, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस नाइन अपॉन एक्स माइनस एट एक्स इज इक्वल टू थ्री। ये किसका एग्जांपल था, जहां पे लिमिट एग्जिस्ट हो रहा था, लिमिट एग्जिस्ट हो रहा था पर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं हो रहा था, एफ ऑफ थ्री नॉट बराबर, राइट। आइए दूसरा एग्जांपल, जहां पे लिमिट पॉसिबल नहीं है पर फंक्शन पॉसिबल, जहां पे लिमिट पॉसिबल नहीं है पर फंक्शन पॉसिबल। आई एग्जांपल देखते हैं, fx is equal to integer function, I think आपने सुना होगा integer, आपने function topic में पढ़ा होगा integer function, है ना? Integer greater than x, less than or equal to x, जैसे आपको example दे देता हूँ, अगर मुझे f of 2.5 find करने का, तो 2.5 का इंटीजर फंक्शन क्या होता है 2, अगर माइनस 2.5 है तो माइनस 2.5 का आपने पढ़ा होगा, माइनस 2.5 का इंटीजर फंक्शन माइनस 3 होता है, मतलब ऐसा इंटीजर तो या तो अगर जो इनपुट है उसके इक्वल हो या उससे जस्ट लेस हो, तो 2.5 के नजदीक में कौन सा इंटीजर आप बोलोगे 3, तो उससे ग्रेटर हो जाएगा। ऐसा सबसे बड़ा इंटीजर कौन है जो इसके इक्वल, इक्वल तो नहीं हो सकता उससे, लेस 2, इसके नजदीक में कौन सा इंटीजर है, ये है माइनस 3, ये माइनस 2, ये माइनस 2.5, नजदीक में कौन सा इंटीजर आप बोलोगे माइनस 2, गलत, वो तो इससे बड़ा हो गया। ऐसा इंटीजर जो या तो इसके इक्वल हो जस्ट लेस हो, तो सीधी बात है माइनस 3। और अगर सपोज मैंने 1 बोला तो सीधी बात है 1 का इंटीजर फंक्शन 1, अगर मैंने 0 बोला तो सीधी बात है 0 का इंटीजर फंक्शन 0, पर अगर मैंने माइनस 0.1 बोला तो माइनस 0.1 का इंटीजर फंक्शन माइनस 1, क्यों, लॉजिक समझो, 0 है ये, माइनस 1 है ये, माइनस 0.1 है, इसके नजदीक में इंटीजर जो इसके इक्वल हो ऐसे जस्ट लेस हो, सीधी बात है माइनस 1 0 तो होना नहीं। आई थिंक ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, नाउ अब अगर सपोज मैं बोलता हूं एट एक्स इज इक्वल टू 3 फाइंड कर, चलो फंक्शन एफ ऑफ 3 इंटीजर फंक्शन 3 आता है, ठीक है। अब लिमिट फाइंड करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 इंटीजर फंक्शन, अब x टेंड्स टू 3 मतलब x का वैल्यू 3 तो नहीं है, 3 से कम होएगा, क्या हो सकता है 2.9 2.99 2.999 2.98 2.97
जो भी कुछ रहेगा 2.99, 2.97, 2.9, 2.99, 2.99, जो भी इसका वैल्यू हर समय क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। चेक कर सकते हैं 2.9 का 2, 2.99 का भी 2, 2.98 का 2, 2.97 का 2, 2.91 का भी 2, अब राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट मतलब 3 से ज्यादा, 3.1, 3, 3.01, 3, 3.113, राइट, 3.0013, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो ये कौन सा एग्जांपल, ये एग्जांपल है जहां पे लिमिट नॉट पॉसिबल पर फंक्शन पॉसिबल, मतलब फंक्शन का वैल्यू आ सकता है पर लिमिट का वैल्यू नहीं आ सकता, बराबर। अब एक और एग्जांपल देखते हैं जहां पे लिमिट भी पॉसिबल है और फंक्शन भी पॉसिबल है। ऐसे कैसा एग्जांपल, एफ एक्स, सपोज आपको मैंने बोला एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, मतलब जो एक्स का वैल्यू पॉजिटिव जीरो है तो एफ एक्स ये यूज कर देगा और ये साइन एक्स। अगर इसको ग्राफिकली समझाने का मुझे तो देखो कैसे समझा सकते, चलिए ग्राफिकली मैं बताता हूं। ये हो गया जीरो, जब एक्स का वैल्यू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो ये रहा, एक्स इज इक्वल टू जीरो, एफ एक्स क्या हो जाए, एफ एक्स इज एक्स, तो एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, पॉइंट मार्क कर दिया। उसके बाद व्हेन एक्स इज मोर देन जीरो, एफ एक्स कैसे बिहेव कर रहा है, एफ एक्स इज एक्स, एफ एक्स मतलब वाई इज इक्वल टू एक्स, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऐसा ये अपना ग्राफ। ये कौन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसे जान ही सकते हैं, लेस देन जीरो थोड़ी बोला। अब लेस देन जीरो, लेस देन जीरो में कैसा बिहेव करता है, साइन एक्स, तो जीरो, चलो देख लेते माइनस पाई बाय टू लिखने के लिए ना, माइनस पाई कैसा आएगा, ऐसा बिहेव करेगा जीरो, ऐसा होगा ये थोड़ा बराबर से कम करता हूँ। सपोज ये वैल्यू है माइनस, ये ऐसा, ये हो गया माइनस, बराबर, साइन ये साइन ऑफ माइनस पाई बाय टू माइनस वन, बराबर। ग्राफ समझ में आ रहा है जो मैंने बनाया, मैंने ग्राफ समझ में आया, ये ग्राफ, यस, ये रहा ग्राफ, ठीक है, मतलब लेस देन जीरो के लिए ये रहा ग्राफ साइन, आगे भी जा सकता, आगे जरूरत नहीं है, और मोर और इक्वल टू जीरो के लिए जीरो, और मोर देन जीरो के लिए लाइन में, ये ग्राफ। अब हम लोग चेक करते हैं कि यहाँ पे लिमिट का वैल्यू इस पॉइंट पे, चलो जीरो पे चेक, चलो जीरो, तो व्हाट इज एफ ऑफ जीरो, ग्राफ में से मालूम पड़ा एफ ऑफ जीरो इज जीरो, इसमें से कैसा आएगा, व्हेन एक्स इज इक्वल टू ये वाला फंक्शन लेंगे तो एफ एक्स इज एक्स, एफ ऑफ जीरो इज जीरो, मतलब फंक्शन एग्जिस्ट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स, एक्स का वैल्यू जीरो से कम, जीरो से कम ये ना, तो ये वाला फंक्शन लेंगे कौन सा, साइन एक्स। अब क्या करने का, डायरेक्टली वैल्यू सब्सिट्यूट कर दो, एक्स का अप्रोचिंग वैल्यू क्या, जीरो, तो साइन जीरो, और साइन जीरो जीरो, राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, फिर एक्स इज मोर देन जीरो, मोर देन जीरो करो साइन एक्स नहीं, एक्स यूज करेंगे, डायरेक्टली सब्सिट्यूट कर दो जीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट एग्जिस्ट, यहाँ पे लिमिट भी एग्जिस्ट होता है और फंक्शन भी एग्जिस्ट होता है, तो एग्जांपल यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट होता है और फंक्शन भी एग्जिस्ट होता है, ठीक है, ठीक। अब दूसरा एग्जांपल जहाँ पे लिमिट एंड फंक्शन, देखो पहले समय अभी जो प्रीवियस समय क्या किया, लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट हो रहा है पर साथ में इक्वल भी है। अब एग्जाम्पल जहां पे लिमिट और फंक्शन एग्जिस्ट होता है, मतलब पॉसिबल एग्जिस्ट, मतलब फाइनाइट नंबर आ रहा है पर
इक्वल नहीं है। जैसे एग्जांपल आपको मैं देखता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस नाइन अपॉन एक्स माइनस थ्री, और सपोज एक्स नॉट इक्वल टू थ्री, और सपोज मुझे मालूम है कि बाय सम एक्सपेरिमेंट ये फंक्शन का वैल्यू थ्री है व्हेन एक्स इज इक्वल टू थ्री। आई थिंक अभी हमको लिमिट सॉल्व करने का, अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट, अब ये क्या हो जाएगा, ये तो मालूम है फंक्शन हमने स्टार्टिंग में किया था एक्स माइनस कट एक्स प्लस थ्री आ जाएगा। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट बात करता हूँ तो लिमिट एक्स टेंस टू थ्री, अब फंक्शन तो कहीं दिया नहीं लेफ्ट हैंड लिमिट, एक्स टेंस टू थ्री का मतलब लॉजिक देखो, एक्स टेंस टू थ्री का मतलब x is not equal to 3, x का वैल्यू 2.99 हो सकता है, मतलब not equal to 3, तो यही लेंगे 3 substitute, तो 3 plus 3, 6 हो जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट मतलब x का वैल्यू 3 से हम लोग ज्यादा लेंगे, मतलब 3.1, 3.01, तो भी x not equal to 3 रहेगा ना, हो गया x plus 3, आंसर आ गया 6। मतलब लिमिट एग्जिस्ट, यस, फंक्शन एग्जिस्ट, यस, देखो फंक्शन एग्जिस्ट, वैल्यू 3 है, तो लिमिट भी एग्जिस्ट, फंक्शन भी एग्जिस्ट, पर दोनों इक्वल नहीं है, लिमिट का वैल्यू 6 आ रहा है, फंक्शन का वैल्यू 3 आ रहा है, ठीक है, राइट। अब आइए हम लोग थोड़ा इलस्ट्रेशन करते हैं, पेज नंबर 3, पेज नंबर 3 ऑफ मॉड्यूल। आइए फर्स्ट वाला क्वेश्चन करो, क्या दिया, फाइंड द इवेल्युएट द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट। क्या दिया है, फंक्शन मॉडुलस x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 4 दे दिया, और साथ में दे दिया है इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 4। किस पॉइंट पे लिमिट फाइंड करनी है, यहां पे लिखा हुआ है एट x इज इक्वल टू 4। तो पहले हम लोग चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 4, मतलब x का वैल्यू 4 नहीं है, पर 4 से कम है, 4 से कम तो कहीं दिया नहीं है, पर 4 नहीं है वो दे, मतलब ये यूज करेंगे मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4। अब ये कैसे होए, तो स्टूडेंट इतना पक्का है, देखो कैसे सॉल्व करते हैं, x का वैल्यू 4 से कम है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो जब भी यहाँ पे 4 से कम रहेगा तो हर समय आंसर नेगेटिव आएगा, पर मुझे तो मॉडुलस है, मतलब आंसर पॉजिटिव ही चाहिए, तो विदाउट मॉडुलस भी मुझे आंसर पॉजिटिव चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, x माइनस 4 आपने पढ़ा हुआ है ऐसा, मॉडुलस ऑफ x इज माइनस x, अगर अंदर वाला डेटा इज लेस देन 0, अब x का वैल्यू 4 से कम है तो अंदर वाला डेटा इज लेस देन 0, तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 विल बी माइनस ऑफ, जैसे x था तो माइनस ऑफ 4 माइनस x आ जाएगा अपॉन x माइनस 4, माइनस ऑफ 4 माइनस x अपॉन x माइनस 4। अब ये कैंसिल कर सकते हैं, हाँ कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4 प्लस x तो हो जाएगा x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते तो 0 अपॉन 0 आ जाएगा, तो हमने कैंसिल कर दिया, आंसर क्या आ रहा है, कैंसिल कर दिया तो देखो, हाँ आई थिंक मेरे से एक छोटा सा भी मिस्टेक हो गया, क्या मिस्टेक हो गया, मैंने क्या बोला था माइनस x लिखने को, तो यहाँ पे मैंने माइनस x लिखने के बाद यहाँ पे मिस्टेक कर, मैंने माइनस ऑफ एक्स ना, तो मतलब माइनस ऑफ एक्स माइनस 4 लिख दिया, तो ये माइनस ऑफ एक्स माइनस 4, कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया माइनस 4। अब मुझे राइट हैंड लिमिट चाहिए, तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 4, यहाँ पे भी सेम लिखना पड़ेगा, क्यों, अब बोलो से ऐसे क्यों, बिकॉज एक्स टेंस टू 4 है, एक्स 4 के इक्वल नहीं है, तो सीधी बात है कौन 4 के इक्वल नहीं, ये है, तो यही वाला फंक्शन लेना पड़ेगा। अब x का वैल्यू तो 4 से ज्यादा है, क्या हो सकता है 4.01 4.001 हर समय पॉजिटिव आंसर आने वाला है, तो मॉडुलस की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ये आ जाएगा क्या स्टूडेंट x माइनस 4
अपॉन एक्स माइनस फोर, कैंसिल कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा वन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया माइनस वन और राइट हैंड लिमिट आ गया, राइट स्टूडेंट, गो थ्रू कर लीजिए। अब सेकंड इलस्ट्रेशन जो है इट्स अ होमवर्क फॉर यू, ध्यान रख लेना, सेकंड इलस्ट्रेशन होमवर्क कर लेंगे, राइट। चलिए थर्ड वाला करते हैं, थर्ड इलस्ट्रेशन। फाइंड द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन fx इज इक्वल टू इंटीजर x where x is greater than or equal to x is equal to x and x is equal to k where k is any integer। अब हम लोग ने k बोला, तुम लोग k के बदले कोई नंबर ले तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। मान लो मैंने k के बदले ले लिया 4, x is equal to 4 पे डिस्कस करने का है। दिस वन लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, देखो लिमिट x टेंड्स टू 4, अभी आपको सिखाया वापस वही चीज है। ये तो हर समय इंटीजर ही पैदा करता है, फोर मतलब फोर का वैल्यू, फोर से थोड़ा कम, तो सर थोड़ा कम तो बहुत होता है, तो अलग अलग आंसर आना चाहिए, नहीं भाई आंसर सेम आएगा, आप चेक कर सकते हो। देखो फोर से थोड़ा कम मैं बोल सकता हूँ 3.9 या 3.99, 3.91, 3.98, सपोज 3.9 का इंटीजर फंक्शन 3.99 का इंटीजर फंक्शन 3.91 का इंटीजर फंक्शन 3.98 का इंटीजर फंक्शन 3, सब में तो आंसर 3 आ रहा है। देखो राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में क्या मतलब 4 से थोड़ा ज्यादा, चलिए 4.01 उसका भी इंटीजर फंक्शन 4.001 4.12 वो भी 4, तो हर समय क्या आ रहा है 4, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 3, राइट हैंड लिमिट 4, ओके ठीक है।